हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। सामने हमारे डार्क एडिशन ऑफ टाटा नेक्सॉन, और देख सकते हैं ब्लैक कलर में कितनी ज़्यादा एपिक लग रही है कार। और ब्लैक कलर ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है और टाटा ने लगभग अपनी सारी गाड़ियों का डार्क एडिशन निकाल दिया है। तो फ्रंट प्रोफाइल देखिए कितनी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV की रेंज में बहुत ही पॉपुलर रही है टाटा नेक्सॉन। ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल कार रही है, चाहे सेफ्टी के मामले हो, चाहे फीचर्स के मामले में बात करें, या फिर इसके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर बीच में टाटा का लोगो मिल जाता है और फुल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर हमें बॉडी कलर का ही बम्पर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, और हमें यहाँ पर DRL लाइट भी मिल जाती है जो कि LED में रहेंगी। और नीचे की ओर फॉग लैंप भी दिया जा रहा है जो कि हैलोजन बेस्ड है। नीचे की ओर बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है। यहाँ पर हमें ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि फैब्रिक प्लास्टिक में रहने वाली है। स्किन प्लेट मिल जाती है, ब्लैक कलर की रहने वाली है। फ्रंट प्रोफाइल तो बहुत ही सही है। यहाँ पर देखिएगा बड़े बड़े से 2 वाइपर मिल जाते हैं। वाइपर की प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार है, 2 वाइपर मिल जाते हैं, 2 वाइपर बड़े बड़े। बाकी विंड स्क्रीन देखिए कितनी ज़्यादा वाइड है। एरोडाइनमिक्स भी काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाले हैं इस कार के। बाकी साइड में हमें क्लैडिंग भी देखने को मिल जाती है, ये देखिए व्हील आर्च पर। और टायर देखे तो हमें 16 इंचेस के अलॉय भी मिलते हैं। बाकी टायर सेक्शन 215/60R16 का रहने वाला है। तो ये कुछ है टायर की बात। और हमें अलॉयस मिलते हैं, और ये ना प्लेटिनियम ब्लैक की इंसर्ट है। यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलेंगे फ्रंट में, रियर में हमें ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। और टायर की बात करें तो वो भी हमें 16 इंचेस का ही मिलने वाला है। और साइड प्रोफाइल देखिए, यहाँ पर हमें बॉडी कलर के डोर हैंडल दिए जा रहे हैं, रिक्रेस्ट सेंसर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर पूरा ही प्लर ए प्लर बी सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। और यहाँ पर हमें रूफ रेल्स दी जा रही हैं, शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। चलिए रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड हमें स्पॉइलर मिल जाता है। यहाँ पर रूफ माउंटेड ब्रेक लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर डिफॉगर भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखना, ये देखिए टाटा की हर कार में देखने को मिलेंगे, चीता वीता मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें वाशर एंड वाइपर भी मिल जाता है। यहाँ पर भी क्रोम फिनिश में टाटा का लोगो, रियर कैमरा। बाकी नेक्सॉन की यहाँ पर भी बैजिंग मिल जाती है, और ये डोर हैंडल ब्लैक कलर में। यहाँ पर हमें 2 पार्किंग सेंसर रियर में भी मिल जाते हैं। स्किड प्लेट मिल जाती है बॉडी कलर में। नीचे देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कुछ इतना मिलेगा आपको। तो बैक प्रोफाइल कुछ ऐसी रहने वाली है। अगर इसकी टेल लैंप की बात करें तो LED टेल लैंप सेटअप देखने को मिलेगा। बाकी इंडिकेटर लाइट हमें बल्ब में देखने को मिलेगी। नीचे की ओर भी हमें ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर हमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, ये देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लगता है इसका रियर से। अगर साइड से देखें तो ये देखिए विजिबिलिटी कुछ ऐसी रहने वाली है। और यहाँ पर हमें फ्यूल कैप देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें हमें 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी हमें बटन देखने को मिल जाती है, ऐसे ओपन हो जाता है। और ये देखिए पावर लिफ्टर रहेगा। यहाँ पर हमें पार्सल ट्रे भी दी जा रही है जो कि डिटैचेबल है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और बूट स्पेस कुछ इतना मिलेगा हमें, 350 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर हमें लाइट भी देखने को मिल जाती है। बाकी 2 हुक दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 हुक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए फुल साइज स्पेयर व्हील भी दिया जा रहा है हमें, और टूल किट वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करा जा रहा है। तो बूट स्पेस काफ़ी सही मिल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लगेज कैरी करते टाइम। यहाँ पर हैंडल दिया जा रहा है, तो इसको बंद करते हैं। तो चलिए अब रियर पैसेंजर साइड डोर ओपन करके देखते हैं कैसा रहता है डोर पैनल। इंटीरियर को देख सकते हैं, यहाँ पर हमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलती है, बहुत ही सही फील आती है। यहाँ पर स्पीकर देखने को मिलता है, नीचे हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर हमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल दिया जा रहा है। यहाँ पर लॉक अनलॉक का बटन, और ये स्पीकर मिल जाता है तो ट्विटर का काम करेगा। बाकी यहाँ पर हमें पावर विंडो को ओपन करने का लीवर दिया जा रहा है, यहाँ पर हमें पकड़ने के लिए थोड़ी जगह। और बाकी सब हार्ड प्लास्टिक ही है, तो ब्लैक थीम है तो कैमरा भी ब्लैक हो रहा है बार बार। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर दिया गया है। तो ये सारी बात हो गई डोर ट्रिम की। और सीट देखें तो ये देख सकते हैं 60-40 स्प्लिट सीट रहेगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, आर्म रेस्ट मिल जाता है यहाँ पर हमें विद ग्लास होल्डर, 2 ग्लास होल्डर के साथ मिलेगा। और सीट क्वालिटी दिए गए दोस्तों बहुत सही रहने वाली है, क्योंकि लेदरेट सीट मिलेंगी, ये देख सकते हैं। आइए एक बार बैठ कर देखते हैं। तो अगर बैठ कर देखे जाए सीट कम्फर्टनेस की बात करें तो ये ड्राइवर सीट है ना ऑलरेडी बहुत पीछे हो रखी है ना। लेग रूम मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, लंबा सपोर्ट अच्छा है, बेंच सीट है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमें
ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और यहाँ देखें तो रियर में दो एसी वेंट भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग है और ये थोड़ा सा कटआउट दिया गया है, बाकी यहाँ देख रहे हो बहुत सही लगता है, बहुत सही फील आने वाली है। ये देखिए ग्लॉसी ब्लैक है, अच्छा लगेगा, प्रीमियम फील होता है। बाकी यहाँ पर भी आर्मरेस्ट मिल रहा है फ्रंट में और डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा रहने वाला है। तो इंटीरियर की जो थीम है वो भी पूरी ही तरह से ब्लैक है। हमें थोड़ा सा हम्प देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं। तो बीच में अगर कोई पैसेंजर बैठता है तो उसको अपनी टांगों को ऐसे फैलाना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सीट क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, कम्फर्टनेस भी है और लेदर रीड सीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बोटल होल्डर यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, वहाँ से नहीं दिख रहा था बट यहाँ स्पेस है तो इसको टेढ़ा करके रखना पड़ेगा बोतल को, ठीक है। तो सारी बात हो गई, आर्मरेस्ट वगैरह देख लिया और पीछे पार्सल ट्रे है। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, ये देखिए, नो डाउट कंफर्टेबल है रियर केबिन, है ना। चलिए ISO फिक्स चाइल्ड सेफ्टी भी मिलेगी आपको इसमें, यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शन सीट माउंट करने के लिए। तो ये सारी बात होगी इसके रियर केबिन की। सीट क्वालिटी बहुत अच्छी है, कुशनिंग वगैरह बहुत सही लगेगी, ये देखिए आप, बहुत तगड़ी फील आने वाली है यहाँ पर, है ना। तो ये सारी बात हो गई रियर साइड केबिन की। चलिए आप ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या मिलता है। और ये चीज़ मैंने आई थिंक छोड़ दी, तो ये देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर लाइट के साथ आ रहे हैं और पावर एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM रहने वाले हैं। ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ दिया गया है यहाँ पर टेक्स्चर। तो ये सारी बात हो गई ORVM की लेके। चलिए अब इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है, बाकी बॉडी कलर में ही हमें डोर हैंडल मिलेंगे रिक्वेस्ट बटन के साथ। आइए ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग वगैरह, और यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाता है और ये लॉक अनलॉक का स्विच मिल रहा है। बाकी यहाँ पर थोड़ा पकड़ने के लिए है और थोड़ा सा स्पेस है। बाकी यहाँ पर भी हमें ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है देखने को। और नीचे की ओर बोतल होल्डर वगैरह, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कार बार के ही डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, स्पीकर मिल जाता है, टटर मिल जाता है और यहाँ दिया गया है लीवर जिससे हम इसके ORVM को एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं पावर एडजस्टेबल लाएंगे। बाकी यहाँ देखें तो ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेबल रहने वाली है, तो आगे पीछे और रिक्लाइन एंगल है वो भी एडजस्ट कर पाएंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ भी मिल रहे हैं हमें दोनों ही साइड, और ये देख सकते हैं नंबर सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट देखिए दोस्तों, एक दो, और ये देखो बहुत सही है, आप कितने ही चौड़े छाड़े हैं बहुत कंफर्टेबली आप इस पर बैठ पाएंगे। और यहाँ भी लेदर सीट मिल रही है आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। ड्राइवर साइड केबिन में भी कंफर्टेबल रहेगा। ABC पैटर्न में यहाँ पर पेडल दिए जा रहे हैं, यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा स्पेस दिया जा रहा है, बाकी AC बैंड मिल जाता है। यहाँ पर भी हमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल रही है AC बैंड के पास, फ्रॉम इंसल्ट है। यहाँ पर दिया गया है फ्यूलोड ओपन करने के लिए लीवर, है ना। चलिए एक बार बैठ कर देखते हैं फिर बात करते हैं इसके केबिन की। कुछ ऐसा रहेगा इसका हैंडल, फुली लेदर रेट हैंडल मिलने वाला है। यहाँ पर हमें टाटा का लोगो दिया जा रहा है। इंफोटेनमेंट के कंट्रोल यहाँ पर, वॉइस असिस्टेंट और टेलीफोनिक कंट्रोल सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है और यहाँ थोड़ी सी ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग भी देखने को मिल रही है। हैंडल एडजस्टमेंट की बात करें तो ये तो टिल्ट टेलीस्कोपिंग नहीं है, तो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ हैंडल आने वाला है। बाकी यहाँ पर फ्लैट बॉटम देखने को मिल जाता है। हैंडल की फील डेफिनेटली अच्छी है, लेदर रेट मिल रहा है और क्या चाहिए। और इधर साइड हमें आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जिसके नीचे थोड़ा सा स्पेस भी देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही डीप है दोस्तों, यहाँ तक देख सकते हैं, ये देखिए अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये हो गया पार्किंग ब्रेक। यहाँ पर देखिए दिया गया है मोड स्विच करने के लिए टॉगल, ये काफ़ी सही लगता है, जैसे मर्सिडीज़ वगैरह में आता है ना, सिटी मोड, इको मोड, स्पोर्ट मोड, तीन मोड मिलने वाले हैं। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन रहने वाला है। बाकी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल दिए गए हैं बूट ओपन करने के लिए, सेंटर लॉकिंग वगैरह का, और हेडलैम्प के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी ये सारे AC के कंट्रोल हैं। दो AC वेंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, हैजार्ड बटन, और यहाँ देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी बारीक सी क्रोम इंसर्ट है ना, बहुत सही लगती है देखने में। नेक्सॉन यहाँ पर भी मिल रहा है, हरमन का जो टाटा प्रोवाइड कराती है इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, इसको फ्लोटिंग डिस्प्ले बोलते हैं। हरमन की बैजिंग यहाँ पर देख सकते हैं, आई थिंक ये देखिए हरमन की बैजिंग यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर हमें 7 inches का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल रहा है। और ओके क्या बात है भाई, कूलेंट के साथ स्पेस आ रहा है, लाइट भी मिल रही है, बहुत सही। तो प्रीमियमनेस तो यहाँ फील हो रही है दोस्तों, सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी यहाँ पर हमें सनरूफ भी मिल जाता है, माइक, और यहाँ पर हमें सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं।
रीडिंग लैम्प, वैनिटी मिरर मिल जाता है वाइजर में, ड्राइवर साइड में हमें कुछ नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर मिल जाता है, मैनुअली एडजस्टेबल IRBM मिल रहा है, दो एयरबैग मिलेंगे यहाँ पर हमें ड्राइवर साइड को पैसेंजर साइड, और 8 स्पीकर मिलने वाले हैं। तो आपने देख ही लिए, पीछे की ओर दो रहे, दो आगे की ओर रहे, छोटे छोटे भी हैं चारों ही डोर में। तो की बात कर ली जाए तो ऐसी की मिलने वाली है जिसमें हमें डोर लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिलेगा, फाइंड माई कार का बटन है, और बूट ओपन करने के लिए बटन मिल जाता है। सिंपल सी की है, काफ़ी सही लगती है। कीलेस एंट्री रहेगी इस कार में। और यहाँ पर एक चीज़ और मिस कर दिए, तो ये देखिए 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, और ये देखिए USB पोर्ट मिल जाता है, ऑक्स के लिए भी पोर्ट दिया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या सेटिंग रहेगी, एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले है, जी हाँ ठीक है, बाकी रेडियो, USB पोर्ट, वॉइस कमांड वगैरह भी है। यहाँ पर हमें वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल रहा है, गुड। तो ये भी जज करके बता रहा है कि केबिन में कैसी, मतलब जो स्मेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, तो वो चीज़ इसमें भी दिख रही है। और ड्राइव नेक्स्ट, तो ये सारी कार की इंफॉर्मेशन है, ये एफिशिएंसी दिखा रहा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, सेफ्टी वगैरह, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे देख पाएंगे आप, और ट्रिप समरी यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर पार्क असिस्ट भी मिल जाता है, तो ये देख सकते हैं। रियर कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी रहने वाली है, इन्फोग्राफिक डिस्प्ले भी देखने को मिल रही है। और क्लस्टर की बात करें तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है इसमें, देख सकते हैं। इंजन चेक लाइट वगैरह दिख रही है, टाइम दिखा रहा है। अब सिटी मोड में है तो सिटी मोड लिख के आ रहा है, स्पीडोमीटर दिख रहा है, ऑडोमीटर दिख रहा है, टेम्परेचर दिख रहा है, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। हेडलाइट लाइट वगैरह और ये सारी चेक लाइट मिल जाती है, टेम्परेचर वगैरह देखने को मिल रहा है, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो है ये टॉगल दिया गया है मोड में स्विच करने का, तो अभी सिटी मोड पर है ये, जैसे इसको हम इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी मोड पे आ गया, और गुआएं स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट मोड पे भी स्विच हो गया। तो मतलब इसमें क्या है कि जैसे ही आप मोड स्विच करेंगे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, और स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर आप इस कार की यूज कर पाएंगे। तो ये सारी बात होगी इसके इंटीरियर की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बात होगी इसके इंटीरियर एक्सटीरियर की। इंजन की बात करें तो इसमें हमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो जनरेट करेगा पावर 118 BHP की, और टॉर्क जनरेट करेगा 170 NM का। तो इसमें हमें 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। तो ये सारी बात हो गई हमारी टाटा नेक्सॉन टर्क एडिशन को लेकर। आपको कैसी लगी ये कार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टाटा की कौन सी कार आपको पसंद है वो भी हमें कमेंट करके लिखना ना भूलें। मेरे परसेप्शन से देखें तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है SUV कार अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है, सनरूफ मिल रहा है आपको, सेफ्टी के सारे फीचर मिल जाते हैं, ABS, ABD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो बेसिक जो फीचर होते हैं वो भी सभी मिल रहे हैं, और ऐसी थोड़ी ना 5-स्टार रेटिंग मिल जाती है ना। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है टाटा नेक्सॉन। प्राइस डिटेल आपको जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन को लेकर। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही कार्स एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।